राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे और वे स्वच्छता के सभी कार्य स्वयं करते थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है तथा देश की एकता और अखंडता के लिए उन्हें आत्मसात करना जरूरी है। ये विचार बेटमा में सांसद श्री शंकर लालवानी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तथा उनकी मध्य प्रदेश यात्रा और स्वच्छता पर आयोजित प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री गोपाल सिंह चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री गुमान सिंह पवार, भाजपा नेता नीलेश उपाध्याय, सतीश कुशवाहा ने की। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। देश के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की चर्चा करते हुए श्री लालवानी ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदर्शनी स्थल पर उज्जैन के भारतीय कला मंडल के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। खासतौर से भव्य नृत्य में कलाकार द्वारा अपने सिर पर एक गिलास पर 7 स्टील के मटके रखकर किए गए नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। मयूर नृत्य ने भी खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा कान ग्वालिया नृत्य को भी खूब सराहा। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषाहार प्रदर्शनी भी लगाई। डाक विभाग के स्टॉल पर आज 100 से अधिक लोगों ने पोस्टल बैंक में खाते खुलवाए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो इंदौर के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी। स्वयं का पखाना खुद साफ करते हैं। यहाँ तक कि जब वो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे तो उनका जूता टूट गया, तो उन्होंने मोची का भी काम किया। ये बहुत कम लोगों को मेरे को बात मालूम पड़ा, तो उन्होंने ये तय किया कि स्वयं काम करना सीखे और स्वयं करें। और खास करके बच्चों को लिए बताता हूँ, एक माँ बच्चे को लेके गई थी गांधी जी के पास कि ये बच्चे मिठाई बहुत खा रहे हैं, इससे दांत खराब हो जाएंगे, छोटा है। तो गांधी जी ने बोला एक महीने बाद देखे आना। माता जी एक महीने बाद उस बच्चे को लेके गए गांधी जी के पास। फिर गांधी जी ने बच्चे को बोला कि अब मिठाई खाना बंद कर दो। तो माता जी बोले ये बात तो गांधी जी पहले बोल सकते थे, बाद में क्यों? तो गांधी जी से पूछा कि ये बात तो अब एक महीने पहले जब लाई थी बच्चे को तब भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने एक ही बात की कि मैं तभी उपदेश दूंगा जब मैं उसका पालन करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से मनाई जा रही है और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से पूरे देश की रियासतों को एक करने में अपना योगदान दिया, उसी को याद करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। मध्य प्रदेश और मणिपुर की दो राज्यों की संस्कृति का आदान प्रदान और कला दल का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिस प्रकार से विविधताओं में हमारी एकता रहती है वो आज संस्कृत देखने को मिली। गांधी जी जब महात्मा गांधी बने वो छोटे छोटे कामों को लेकर बने।